क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, खुश रखे अल्लाह। बाहर किधर गया है? कितने गई कुम्मी? हवाला क्या की थी? हाँ चलो, बहुत सारे ऐलान भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सैयद अल्अव्वलीन वल आखिरीन सैयदना व नबीना मौलाना मुहम्मद वाला आलि सहाबे अजमईन। एक दोस्त की तरफ से शिया हजरात एक गलान लगे, अगर मनी है ना कि आदर जरा सी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप थी, तो सारी दुनिया मन रही काफर थी। इस तो फिर पैगंबरां की इसमत खत्म हो जाती। तो मेरी समझ च नहीं आया बिस्मत उन्हों की किस तरह खत्म हो जाती। एक बेटा अपनी याद नेक है, उन्हें कोई गुनाह नहीं किया, तो वो बाप ने अगर बुराइयां कीतियां तो नेक बेटे ने उसका की नुकसान हो सकता? ये कोई समझ नहीं आती बे दलील जी किस तरह बन रही। किस्मत अंबिया से बे नबी जड़े अल्लाह दे जिन्हों अल्लाह तारा ने बबा दिता, वो आप कोई ऐसा अमर नहीं करते जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है। उन्होंने पूरी जिंदगी नमूना होंगी है, और चुने लोग होंगे अल्लाह तारा ने उन्होंने पसंद किया हों, तो उन्होंने सिर से ताज ने बबदा रखे हों। अल्लाह तारा कुरान पाक बड़ी प्यारी बात की, अल्लाह आलम है सजा अल्लाह सारा। जो काफर मक्के आते ना एडे एडे सरदार है ताइफ और मक्के कोठियां के मालिक तो बागों के अल्लाह ने यह नहीं दिसे इस यतीम ने लभा यमसी फिर सुहाग जिन्हों खाना सौदा भी लिया के देने वाला कोई नहीं, तो आप बाजारों फिर ऐतान किया उन्होंने। तो अल्लाह तला ने फरमाया यार नबूवत को यहोजी शायद वो गद्या के गल च पाती है, उस अल्लाह तला उस बंद शुरू तो चुनता और उन्होंने अपनी निगरानी पालता, वो चुनिया और बरगजीदा बंदा हूँ। जी वेखो तुम हजरत मूसा अलैहि सलाम छोटे जे माँ को खतरा होया कि कोई पुलिस आए पकड़ ना लैन कतल ना कर दें जिमें वो करते, अल्लाह तला क्या तू इन संदूक बंद करके रोड़ दे ते असी हुणे वापस लैवां। तो उस वे आख्या माँ जाए लू हो मिनल मुरसलीन, ये मूसा है ना कि पैदा होया इन्हों तो असी पैगंबर बनाने वाले। तो नबी या रसूल जोड़े वो अपनी जगह से बेदाग आ पाक आ, मगर उनका वाले या बेटा कोई गलत निकलता जो वो नबूवत ना यदा की तरह। आदम अलैहिस्सलाम भी औलाद चो असी ऐसे गंदे निकल आए हैं, आदम अलैहिस्सलाम से कोई अड़प नहीं, ये साढ़े अपने कसूर है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा खबीस निकलिया तो नूह अलैहिस्सलाम यदा कोई हरफ नहीं। इस तरह इब्राहिम के वारद अगर काफिर निकल तो हजरत इब्राहिम की इसमत कोई नहीं खत्म होती। इत अगर कोई गल हुई बात तुसी कर लो, पैगंबर की इसमत से कोई तब्बा नहीं, वारद और औलाद जो कर दी अपना पोते फिरनगे। कुरान पाक ने इसे तो ही खानदान कोई शह नहीं, नाल किरदार हो फिर बड़ी शह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर जरा ना रिश्ता कुरलो सबब मुनासिब बयान करते हुए अमल क्या सब खत्म हो जाने, किसी न किसी की रिश्तेदारी ने फायदा नहीं देना सिवाए मेरे नसब के, मेरे जड़े खानदान के लोग उन्होंने फायदा होना कि मुहम्मद रसूला के खानदान मगर मोमिन। वरना कुरान पाक ने चाचा चुनिया, किसी काफर का जिक्र ना किया। अबू जहल और दूजे बड़े बेईमान से आप दुख दिते, मगर रब ने सारे छड़ते सूरत थके चाचे की उतारी तब्बत यदा भी लाभ में उतर यह सुरमा अखा च पाउन भी लिहाज करता, मैं मुहम्मद रसूला का करता सर लद चाचा वह नहीं, बैतुल्ला का मुतवली हजूर का चाचा, मगर रब ने कहा काम नहीं चंगे थे असला नारू दाता रब पड़कती आगे सिर जाएंगे उसे। इस पारों खानदान च अगर कोई बुरा हो गया बाप या थले औलाद देना पैगंबर की समझ से कोई